इंडियन न्यूज 24 आवर। अलीगढ़ जम्मू कश्मीर के रहने वाले लापता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू के छात्र मनान वानी का अभी तक पता नहीं है। खुफिया एजेंसियां वानी की तलाश में जुटी हुई हैं। छात्र मनान वानी की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसका रूममेट मुजम्मिल हुसैन 20 जुलाई 2017 सेकंड लापता है। मुजम्मिल हुसैन जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा कि वानी ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मनान की आखिरी लोकेशन 4 जनवरी को दिल्ली में ट्रेस की गई है। मनान के लापता होने से उसका परिवार भी सदमे में है। भाई मुबस्सिर ने कहा कि 3 जनवरी को मनान की पिता से बात हुई थी। 4 जनवरी के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वानी के हिजबुल में शामिल होने की अटकलों के बीच यूपीएटीएस ने सोमवार को दोनों कश्मीरी छात्रों की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारियों ने बताया कि हॉस्टल में वानी के रूम से संदेहजनक सामग्री मिली है। उन्होंने बताया कि किताबें, फोटोकॉपी, पेन ड्राइव समेत कुछ संदिग्ध दस्तावेज उसके कमरे से मिले हैं। हॉस्टल में बांटा था हिजबुल का कैलेंडर। उधर जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने कहा कि सभी चीजों की जांच की जा रही है और यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा कि मुनीर हिजबुल में शामिल हो गया है। हालांकि अलीगढ़ पुलिस की जांच से पता चला है कि वानी ने जनवरी 2017 में हॉस्टल में हिजबुल का कैलेंडर बांटा था। अलीगढ़ के एसएसपी राजेश पांडेय ने कहा कि वानी का रूममेट हुसैन पिछले साल जुलाई के बाद से नहीं आया है। हॉस्टल के मेस वाले ने बताया कि मनान को 2 जनवरी को अंतिम बार देखा गया था। बता दें मनान वानी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अमू ने निष्कासित कर दिया है। 2 दिन पहले राइफल के साथ वानी की फोटो फेसबुक पर वायरल हो गई, जिसमें कहा गया कि 5 जनवरी को वह हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया था। एएमयू के पीआरओ का कहना है कि भूगर्भ शास्त्र के रिसर्च स्कॉलर मनान बशीर वानी को संस्था से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही हबीबौल हॉस्टल में उसका कमरा भी सील कर दिया गया है। एएमयू प्रशासन का कहना है कि उसकी आपत्तिजनक गतिविधियों से संस्थान का शांतिपूर्ण माहौल खराब हो सकता था, लिहाजा संस्थान ने उसके निष्कासन की कार्रवाई की है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान का कहना है कि बशीर वानी ने एएमयू छात्रों के लिए जरूरी कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1985 का उल्लंघन किया है। इस मामले को एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर के सामने रखा गया। इसके बाद वानी के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई। कौन है मनान वानी? जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार मुंबई मिरर को बताया कि वानी के पिता का नाम बशीर अहमद वानी है और वह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ताकीपोरा गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वानी 3 दिन पहले ही एमयू से कश्मीर गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया मनान वानी पिछले 5 साल से एमयू में पढ़ रहा था। वह एमफिल कर रहा था। वह अब जियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। वह यूनिवर्सिटी से घर नहीं आया। 2 दिन पहले रफाल के साथ उसकी फोटो फेसबुक पर वायरल हो गई, जिसमें लिखा था कि उसने 5 जनवरी को हिजबुल ज्वाइन कर लिया। हिजबुल में शामिल मनान वानी को अमू ने